दोर्सिस ऑफ स्टेट कैपेबिलिटी द स्टेट कैपेसिटी इज कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी विच इज़ एन एबिलिटी टू कॉर्डिनेट इंडस्ट्रियल चेंज टू मीट द चेंजिंग कॉन्टेक्सट ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हम जानते हैं कि स्टेट कैपेसिटी क्या है कि जब स्टेट को के पास ये सलाहियत आ जाए कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस करने की एफर्ट कर सके तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न है या जो सोर्स है स्टेट कैपेसिटी का उससे रिलेटेड जो कंसर्न है वो ये है कि व्हेन द स्टेट इज़ पासिंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी यानी अभी कैपेसिटी प्रॉपरली गेन नहीं की है अभी उस प्रोसेस में से गुजर रही है स्टेट तो उस वक्त जो है उसको सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट किस से करना पड़ता है उसको वो कैपेसिटी गेन करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कंपटीशन है उसके साथ वो कोब कैसे करती है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो द कैपेसिटी कैन बी शेप बाय सीकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्स एकरोस द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बाय द एजेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट को किस चीज़ की सबसे बुनियादी ज़रूरत है कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्स की कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्स बेसिकली वो टूल प्रोवाइड करेंगे जिसकी बेस पर स्टेट की कैपेसिटी इनहेंस हो जाएगी तो स्टेट कैपेसिटी कैन बी स्कोर्ड हायर व्हेन इट्स इकोनॉमिक इंटरनेशनलाइजेशन इज लेसर इट विल मोर बी एबल टू गवर्न इंडस्ट्रियल चेंज अगर उसकी डिपेंडेंसी जो है वो इकनॉमिक एस्पेक्ट में बाहर कम होती चली जाएगी तो इंटरनली वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसके अंदर इतने रिसोर्सेज वो अपने लिए अपने लोगों के लिए क्रिएट कर लेगी कि वो एक मूव कर सकेगी टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन सो वेन अ स्टेट इनेबल्स इट्स सेल्फ टू कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग न्यू टूल्स फॉर न्यू चैलेंजेस इट विल बी एबल टू मीट चेंजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड्स हमने दुनिया में देखा है स्टेट्स को अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करके स्टेट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अपनी स्टेट को मनवाते हुए हमने देखा कि आफ्टर टू वर्ल्ड वॉर्स बहुत सारे वो मुल्क जिन्होंने तबाही को फेस किया जापान है जर्मनी है फिर हमने देखा 1949 में चाइना जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता था इन मुल्कों ने खुद को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया अपनी स्टेट कैपेसिटी को इंक्रीज किया और आज यहाँ पर ये खड़े हैं वहाँ दूसरी स्टेट्स जो हैं वो इन पर डिपेंडेंट हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरने के लिए सो वी कैन दैट स्टेट कैपेसिटी कम आउट ऑफ इंस्टीट्यूशंस गवर्निंग डोमेस्टिक लिंकेजेस विद मोर सोफिसिकेटेड पॉलिसी लिंकेजेस बिटवीन इकनॉमिक ब्यूरोसी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्री गोज टू वर्ड्स रेपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो क्या बेसिक टूल है क्या बेसिक सोर्स हो सकता है स्टेट को अपनी स्पीड को इन्हेंस करने के लिए कि अगर उसकी जो पॉलिसी जो लिंकेजेज हैं यानी वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं उनको ये आइडिया हो कि मुल्क की ज़रूरत आइंदा आने वाले सालों में क्या होगी यानी जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिसी मेकिंग उन पर डिपेंडेंट होनी चाहिए अगर पॉलिसी मेकिंग में गैप आएगा अगर ब्यूरोक्रेट्स और सोच रहे हैं यानी इंस्टीट्यूशंस और सोच रहे हैं और वो लोग जो इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं अगर उन वो आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होंगे अगर उनका थाट प्रोसेस जो है वो उसमें कोई मिलती जुलती बातें नहीं होंगी और उनके कंसर्न्स को टैकल नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे बल्कि शॉर्ट टर्म जो मेयर्स हैं वो लेकर सिर्फ फौरी तौर पर लोगों को सेटिस्फाई किया जाएगा लेकिन उससे ना तो स्टेट की कैपेसिटी इनहेंस होगी ना ही इन द लॉन्ग रन स्टेट अपने आप को इंटरनेशनली किसी एक मुकाम पर ले जाने में कामयाब हो सकेगी सो द सर्टन टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक लिंकेजेस अपियर मोर रोबस्ट देन अदर्स इन इनबलिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये है कि डोमेस्टिक लिंकेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोप्रिएट किया जाए वो लोग जिन्होंने कोई चीज़ ग्रो करनी है वो जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर रही हैं वो जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात सिर्फ कर ली जाए तो वो कहाँ उनका लेवल जो है उसको मेंटेन करना है इस सब की इवेल्युशन इस सब के बारे में प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग और फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने से ही स्टेट कैपेसिटी जो है उसको इन्हेंस भी किया जा सकता है और वो सारे सोर्सेज जो स्टेट कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं बेसिकली वो लिंक करते हैं डेट विद इन द स्टेट क्या प्रेफरेंसेस हैं और स्टेट चलाने वाले पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ जो हैं वो किन बेसिस पर डिटर्मेंड है